ये तुसी देख सकते हो कि ये है सिंगरे फलियां भी कह देंगे अपना, तो ज़्यादातर इन्हों सिंगरे के नाम नाल जानते। ये भी असी बीजे हुए ऐतकी लसन, इन तो बिना भी हरेक दाल तो सब्जी का स्वाद है जोड़ा वह फिका लगता। आ तो छोटिया छोटिया पट्टिया क्या, आ देखो मेरे वाली तो शायद देखो नाले अपनी का देखो। फिर मैं अपना हाथ उपर रखता तो तुम मेरे हाथ में देख के मूली के साइज का अंदाजा लगा सकते। सत श्रीकाल जी सारिआं नूं, मैं थोड़ा अपना सुमीत एक बार फिर तो थोड़े सारिआं दा स्वागत करदा अपने यूट्यूब चैनल भंगड़ा किंग सुमीत दे उत्ते। जिवें कि तुसीं सारे बैकग्राउंड विच पिछे देख सकते हो कि अज आपां एक बार फिर तो थोड़ा दिखाउण लैके आए हैं खेतों के नज़ारे। सो यह सीजन है जिहड़ा हुण बसंत दा चल रहा है, तो पिछे सरों के फुल तुसीं देख सकते हो किन्ने सोहणे लग रहे हैं पीले पीले रंग के। खेतों च चारे पासे हरियाली हरियाली है, गोभी सरों है जी पिछे दिख रही होनी है थानू। आओ हम एक बार थोनू सारा अपना खेत दिखाते हैं, फिर उस तो बाद दसते खेत में बीजे हुए इन फसलों के बारे। उत्थों सड़क को लेके इत्थे तक ये सारी गोभी सरों है जिहड़ी वह असी बीजी हुई अपने खेतों के विच। देख सकते हो किन्ने प्यारे लग रहे हैं जिहड़े फुल है ये पीले रंग के। बसंत का जिहड़ा सीजन मनिया जाता है वो फुलां ते कहिंदे वी बहार आउंदी है इस सीजन विच। हर एक चीज़ के जोड़े फुल है, हर एक बूटे के दरख्त के फुल है जोड़े वो खिड़ते हैं, तो बड़ा सोहना नज़ारा होंगे। बहुत ही ज़्यादा सोहना मौसम है दिल लगन वाला। टाइम है जड़ा हो रहा इस टाइम 4:40, मतलब कि 4:45 के लगभग का टाइम हो रहा शाम का। आ देख सकते तुसी छिपदे वल सूरज छिप रहा है। काफ़ी दिन तो बड़ा दिल करता सी खेतों च आके सरों के फुलों फोटो खिंचण का, सो अज इसे करके मैं बापू जी नाल आया खेतों में। क्योंकि जड़े ये खेतों च कुदरती नज़ारे है ये होर किते देखण नूं नहीं मिलते हैगे, इन्ने वधिया ते सोहणे नज़ारे ते फुल्लां च खड़ के फोटो खिंचण दा जिहड़ा मज़ा आउंदा है वो आपां दस नहीं सकदे। फोटोआं तुसीं खुद देख लिओ किन्नी सोहणियां जिहड़ियां फोटोआं आउंदियां। रुबी आले दुआले तुसीं देख सकदे हो नाल दे खेतां विच गोभी सरों बीजी हुई है। ਤੁਹਾਨੂੰ एक बार दिखाते हैं कि गोभी सरों के अलावा असी होर की बीजे हुए हैं। सो गोभी सरों के बिल्कुल नाल वाले क्यारे च तुसी देख सकते हो ये जड़ी फसल खड़ी है ये जवी कहिंदे इहनू,
ਜਵਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਵੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਿਆਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਬਰਸੀਨ, ਇਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰਸੀਨ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਲੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੌਲ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੂਲੀਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੂਲੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੂਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੂਲੀ ਕਾਹਦੀ, ਮੂਲਾ ਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੀ ਮੂਲੀਆਂ ਇਹ। ਸੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ। ਸੋ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੂਲਾ ਇਹ, ਕਿ ਮੂਲੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੂਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੂਲੀ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੋਏ ਦਾ ਬੂਟਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇੱਦਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਵਹਿ ਵਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਏ ਅਤੇ ਜਵੈਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੁੱਧ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸਿੰਗਰੇ, ਫਲੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਆ ਐਤਕੀ। ਫੁੱਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਵੈੱਜ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਵੈੱਜ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿੰਗਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਹ, ਇਹਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਧਨੀਏ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਇਸ 'ਚ ਸਾਰਾ ਇਹ ਧਨੀਆ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਲਸਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦਾਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਲਸਣ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਤਕੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਪਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ, ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਦਰਖਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਬਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟੋਬੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਪ ਵਿਛਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਗਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਈਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪਾਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਗ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਗ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਬਣਦਾ। ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਆ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪੱਤੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਚੁਕੰਦਰ। ਚੁਕੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
बड़ा गुणकारी है जिहड़ा ये सब्जी मनी जाती है चुकंदर की। ये सारे चुकंदर है असी लाए हुए। आ जिहड़ा तुसी बूटा देख रहे हो ये हैगा मटर, फली मटर आपां कह दिंदे आ जिहनूं। पालक के विच विच जिहड़ा तुसी देख सकते हो ये मेथे के बूटे आ। मेथे दियां रोटियां बनदियां ते होर भी सब्जियां च बहुत सारी सब्जियां च दाल सब्जियां च आपां मेथे आ जिहड़े उहनां नूं वरतदे आ। सो ये मेथे के बूटे आ। सब्जियां दे जिहड़े नाल वाले क्यारे आ ये लंबे लोट नूं पाए हुए आ। बाकी जिहड़े क्यारे आ तुसी देख सकते हो छोटे लोट नूं आ जिन्ने भी आ। ते आ जिहड़े क्यारे आ ये लंबे लोट नूं पाए हुए आ। तो इन्हां विच असीं बीजी हुई है कणक, कणक की फसल। सो ये जिहड़ी तुसीं देख रहे हो हुणे कैमरे च ये हैगी जी कणक की फसल। सो ये सारी परां तक है जिहड़ी दूर तक इत्थे तक कंडा तार दिख रही है थानूं पोल गड्ढे हुए आ उत्थे तक ये कणक की फसल बीजी हुई है असीं। तुसी देख सकते हो जिहड़ा नवा बाईपास निकलिया सी मैं पहला भी थानू अपने वीडियो च दिखाया सी खेतां वाले ब्लॉग च। जिवें हुण किनूआं दा सीजन भी चल रहा था इस ते भी दूरों दूरों व्यापारी है जिहड़े किनू वेचण वास्ते आउंदे आ ते अपणियां रेहड़ियां ते होर झुंकियां पाईआं होईआं मतलब इत्थे ही रहिंदे आ। ते हुण तां फिलहाल जाण दी तैयारी कर ली क्योंकि शाम दा टाइम हो गया ते सवेरे पूरा रौनक मेला आउंदा इत्थे गड्डियां वगैरह काफ़ी रुकदियां। ये जिहड़ा हाईवे है बाईपास ये अपना पटियाले तो निकलता तो इधर यह रोपड़ वाली रोड नाल जीटी रोड नाल मिल जाता। आ बाईपास इधर आ थानू जीटी रोड भी मैं पहला दिखाया सी गड्डियां जांदे तुसी देख सकते ये जीटी रोड है NH 21 नैशनल हाईवे 21। तो इन दोनों सड़कों के विचकार साढ़े खेत तो और दिख रहा साडा पिंड पिंड है जी साडा। तो आ जिहड़े तुसी बड़े बड़े आ सफेदे देख रहे आ इन्हां दे विचकार है जिहड़ा टोबा है। खूबसूरती तुसी देख ही रहे होने सारे खुला टुला माहौल पिंडां दा साफ सुथरी हवा इदां दे जिहड़े नज़ारे आ ये शहरां विच तां तुहानूं पता ही आ फिर कित्थे मिलदे आ। बापू होरी हसदे हुंदे आ कहिंदे वी जदों भी शहर वगैरह च किसी रिश्तेदारी च किसी दोस्त मित्र कोल जाईदा ते उत्थे साडा दिल जा नहीं लगदा हैगा क्योंकि उत्थे जिहड़े बंद बंद कमरियां विच रहिणा ते इत्थे पिंडां च खुले डुले घर हुंदे आ मकान वेहड़े हुंदे कच्चे अपना जब दिल ना भी लगे तो खेतों की सैर कर आई दी है। पर शहर में इदा है भी बंदा बस एक या तो अपने घर या फिर माड़ा मोटा बाजार बजूर से जाएगा इन्ने च भी कितने दिल लगता। सो इतने जो पिंड माहौल है जोड़ा ये रौनक वाला आप कह देंगे पंजाबी रौनकी जहाँ माहौल होंगे क्योंकि पिंड के नज़ारे वधिया लगते हैं इदा खुले डुले खेत वधिया लगते हैं। इस वीडियो नू लाइक कर दो इसनों शेयर भी करो तो मेरे चैनल नू जरूर सबसक्राइब कर दो क्योंकि बहुत सारे मेरे चैनल पर मतलब इदा के व्यूअर्स के व्यू आते हैं जिन्होंने कि चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया होया मतलब वीडियोज़ तो जरूर देखते हैं लाइक भी करते हैं पर सबसक्राइब पता नहीं क्यों नहीं करते है। सो सबसक्राइब जरूर करो जी जिन्ना तुसी मतलब सबसक्राइब करोगे लाइक करोगे मेरी वीडियोज़ नू प्यार दोगे उन्ना मेरे च अगे तो थोड़ा होर मतलब हौसला आऊँगा और ज़्यादा मैं वधिया वधिया ब्लॉग्स थोड़े लिए लेके आता रहूँगा। मेरे चैनल का जो मेन मोटिव यही है कि थोड़े तक मैं आम पेंडू जीवन अपना पंजाबी कल्चर इदा ये रिलेटिड वीडियोस है जिहड़ियां वो पहुँचा रहा। सो बापू जी पट रहे हैं खेत चो मूलियाँ मैं भी थोनों पट के दिखाई सी ते एक बार फिर देख लो
ਆ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਦੇਖੋ ਨਾਲੇ ਬਣੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਲੈ ਉਹ ਇੱਦੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਫੇਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਹੈ ਮੂਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੱਟੇ खेतां दा ब्लॉग अज दी वीडियो नूं आपां करदे आं इत्थे खत्म। ते एक छोटी जी रिक्वेस्ट करदा है कि इस वीडियो नूं लाइक कर दो ते मेरे चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर दो तां जो मैं होर भी इदां दीआं बहुत सारीआं वधिया वधिया वीडियोज़ तुहाडे तक पहुँचाउंदा रहां। सो मिलदे आ जी नैक्सट ब्लॉग दी वीडियो विच, उदों तक लई सारिआं नूं सत श्री अकाल जी।